हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम बैक इनटू द कोर्स थर्मोडायनेमिक्स। आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 4, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, सो आई होप यू ऑल रिमेंबर कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है। इट इज द कंडीशन इन विच द सिस्टम इज प्रेजेंट, और इस कंडीशन को, इस स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो ये सब स्टेट वेरिएबल्स है। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हमने इस लेक्चर को पिछला शुरू किया था कि अगर सपोजली हमारे पास दो ग्लास हैं पानी के, एक का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का 90 डिग्री सेल्सियस, तो वेल उन दोनों की स्टेट डिफरेंट है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है। और स्टेट वेरिएबल्स को हमने एक और वे में भी पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि अगर किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी को, किसी भी स्टेट वेरिएबल को अगर हम चेंज करते हैं तो वेल स्टेट ऑफ द सिस्टम आल्सो चेंजेस। जैसे कि अगेन उसी एग्जांपल में 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हमने हीट करके 90 डिग्री सेल्सियस पे चेंज कर दिया, तो वेल टेम्परेचर जो कि एक स्टेट वेरिएबल है वो चेंज हुआ, और इसका मतलब है कि द स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑल्सो चेंज। जो कि आप सब अंडरस्टैंड भी करते हो कि पहले पानी ठंडा था और उसके बाद पानी 90 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो गया। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस चीज ने सिस्टम की स्टेट को चेंज किया। तो पानी के केस में वेल हीटिंग ने टेम्परेचर को 10 से 90 डिग्री सेल्सियस पे चेंज किया, तो इसका मतलब है हीटिंग क्या है। हीटिंग is a thermodynamic process जो कि state of a system को change कर रहा है। तो आज के इस lecture में हम study करने वाले हैं what is a thermodynamic process, और उसके बाद chiefly जो आज हमारा topic रहेगा वो है different types of thermodynamic processes क्या कुछ होते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर है जहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का मैं ऊपर क्रॉस आपको आइडिया दूंगी कि इनका क्या मीनिंग होता है। डिटेल में हमने हर एक प्रोसेस को डिस्कस करना है और वो प्रोबेबली एक एक लेक्चर अपने आप में होगा, तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि काफी डिटेल में हमने इन चीजों को डिस्कस करना है। मगर आज के इस लेक्चर में सिर्फ ब्रीफली हम आइडिया लेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द ए टू जेड ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप कि आप ये कोर्स, ये लेक्चर मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज पिक अप योर नोटबुक्स एंड योर पेन्स। सो सबसे पहले शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की डेफिनेशन से, सो दैट कि आप इसको लिख सकें। तो द प्रोसेस दिस ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस जो किसी भी सिस्टम की स्टेट में चेंज लेके आएगा वो हो गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, और ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं इनकी क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करेंगे। पहली क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इट्स इंटरैक्शन विद द सराउंडिंग्स, और इसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस चार तरह के हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। और इन सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज आप देखोगे वो ये है कि कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, जैसे कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और इन सब प्रोसेसेस को आज हम बहुत छोटा ब्रीफ में अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर उसके बाद अपकमिंग लेक्चर्स में हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। और नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द फाइनल स्टेट अटेंड, और इसके अकॉर्डिंगली द प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इनफैक्ट ये जो चारों ऊपर हमने प्रोसेसेस को पढ़ना है, इन सब चारों प्रोसेसेस को हम ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे। मीनिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंड करने से कि हमें आइसोथर्मल प्रोसेस से क्या मीनिंग मालूम पड़ रहा है। सो जब हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस,
तो उसका मीनिंग क्या होगा? वेल, आइसोथर्मल दो वर्ड से बना हुआ है, आइसो और थर्मल। आइसो मतलब सेम और थर्मो का मतलब रिलेटेड टू हीट या हीट रिलेटेड टू टेम्परेचर। सो सेम टेम्परेचर प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग वेरियस ऑपरेशंस। सो इसका मीनिंग क्या है कि सपोजिटली अगर हम एक प्रोसेस को 50 डिग्री सेल्सियस पे शुरू करते हैं तो वेल इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट? इसका मतलब कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे शुरू किया तो ये 50 डिग्री सेल्सियस पे ही फिनिश होगा, और इनफैक्ट थ्रू आउट द होल प्रोसेस 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे शुरू किया, ये राइज करके 70 डिग्री सेल्सियस हो गया और फिर फॉल कर गया 50 डिग्री सेल्सियस पे जब फाइनल स्टेट अटेन होगी। नहीं, ऐसे प्रोसेस को आप आइसोथर्मल नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर प्रोसेस के अंदर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं रहा। आपको अगर स्टार्ट 50 पे करना है तो थ्रू आउट 50 का ही टेम्परेचर मेंटेन करना है, तभी आप प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हो। अब ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका एग्जाम्पल क्या है? वेल, अभी आपने अपने लेक्चर्स फिनिश किए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे, और वहां पे भी आपने ये आइसोथर्मल वर्ड को यूज किया था। कहाँ पे यूज किया था? जब हम बॉयल्स लॉ को स्टडी कर रहे थे तब हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास एक आइडियल गैस है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? तो सपोजिटली अगर आपके पास एक वेसल है, इस वेसल के ऊपर एक पिस्टन फिटेड है, इसके अंदर हमने एक गैस ली, इसके n नंबर ऑफ मोल्स है, t टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, इसकी एक v वॉल्यूम है और जो गैस है वो एक p प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, राइट? अब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, पिस्टन जो है वो नीचे आ गया। जब पिस्टन नीचे आया तो इसका मतलब वॉल्यूम को क्या हुआ? वॉल्यूम डिक्रीज कर गई। जब वॉल्यूम डिक्रीज करती है, मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं, तो वेल वो क्या करेंगे? फोर्स प्रेशर जो होगा वो ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, राइट? सो प्रेशर इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और इसके लिए आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया था, दैट इज द रिवर्स हाइपरबोला ग्राफ। और इस सब को हमने आगे थर्मोडायनेमिक स्टडी में यूज करना है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम आइडियल गैस सिस्टम का काफी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। तो ये एक एग्जांपल हो गया एक आइसोथर्मल प्रोसेस का, जहां पे हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मेंटेन किया है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, सपोजिटली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और अगर हमें सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो वेल हमें क्या कराना पड़ेगा? उसको सिस्टम को ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें से हीट फ्लो कर सके फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। उसके लिए हमें वॉल्स कैसी चाहिए होंगी सिस्टम की? कंडक्टिंग वॉल्स, जो कि हीट का ट्रांसफर अलाउ कर सके। जब भी आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को स्टडी करोगे, जनरली या तो आप क्लोज सिस्टम को स्टडी करोगे या आप आइसोलेटेड सिस्टम्स को स्टडी करोगे, तो आउट ऑफ द टू कौन सा ऐसा है जिसके अंदर हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस कर सके? वेल, दैट विल बी अ क्लोज सिस्टम, क्योंकि क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर हीट एनर्जी जो कि है वो ट्रैवल कर सकती है, राइट? मैटर नहीं कर सकता, बट एनर्जी कैन ट्रैवल। सो हमें एक क्लोज सिस्टम लेना पड़ेगा, सो दैट कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुई है, दैट फ्लोस फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। और ऑपोजिट में क्या होगा? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम है टू कंप्लीट दैट रिएक्शन, ठीक है? तो उसमें जो हीट होगी, दैट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सिस्टम, सो दैट द प्रोसेस दिस कैन बी कंप्लीटेड, ओके? सो देयरफॉर आपको याद क्या रखना है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर देयर इज नो नेट चेंज इन टेम्परेचर, डीटी दिस रिमेन जीरो और डेल्टा टी दिस इज जीरो, टेम्परेचर हैज टू रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द होल ऑपरेशन, ठीक है? ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसो अगेन मीनिंग सेम, और बारिक ग्रीक वर्ड से आया है बैरोस, जिसका मीनिंग होता है प्रेशर, सो सेम प्रेशर प्रोसेस। और अगर आप लोगों को याद है तो प्रेशर का एक यूनिट भी होता है बार, सो आप वहां से याद रख सकते हैं, बार इज फॉर प्रेशर, सो सेम प्रेशर प्रोसेस,
ये वो प्रेशर सॉरी प्रोसेस होगा जहां पे प्रेशर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यूरिंग एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, देयरफॉर डीपी विल बी इक्वल टू जीरो। और इसका एक वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो कि हम डेली लाइफ ले सकते हैं, दैट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, राइट। तो हमने सपोजिडली एक मोल वाटर का लिया एट 298 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस वाटर एक एटमोसफेयर पे। तो जब हम उसको हीट करेंगे टू अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू वेपर, ठीक है। और अगेन ये वेसल एक ओपन वेसल है तो प्रेशर क्या रहेगा, अगेन वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आपने एक वेसल लिया, वेसल के अंदर पानी को लिया, उसको हीट करना शुरू किया, तो ओपन वेसल है तो उस पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दैट इज द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेयर, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, और वो थ्रू आउट वही प्रेशर रहेगा। और वाटर जब बॉयल होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इन टू वेपर, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर रहा, इसका मतलब है आइसोबारिक प्रोसेस। अनदर एग्जाम्पल अगर हम गैस के केस में लें, क्योंकि हमें गैसेस को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है इस चैप्टर में, तो हम अगेन यहाँ पे ले सकते हैं कि हमने एक वेसल लिया, वेसल इज फिटेड विद अ पिस्टन, इसके अंदर हमने एक गैस को लिया, गैस के एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये टी टेम्परेचर पे है, पी प्रेशर पे है, और वॉल्यूम इसकी वी ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। अब जिस पोजिशन पे ये पिस्टन है वो क्यों है वहां पे, क्योंकि जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमोसफेयर, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे ये पिस्टन की पोजिशन है, राइट। अब हम इस वेसल को हीट करना शुरू करते हैं, जब हीट करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जिस फोर्स के साथ वो जाके वॉल ऑफ द कंटेनर पे स्ट्राइक करेंगे वो इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा, राइट। अब अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा, बाहर के कंपेरिजन में ज्यादा है, इसका मतलब है ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, और ये तब तक इंक्रीज करेगा जब तक अगेन प्रेशर विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब है प्रोसेस के अंदर प्रेशर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, प्रेशर जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना पिस्टन ऊपर जाता रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी, प्रेशर कॉन्स्टेंट ही रहेगा, राइट। सो प्रेशर कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा लॉ हो गया फॉर द गैसेस, वेल इट इज गोइंग टू बी द चार्ल्स लॉ। सो आई होप आप लोगों को अब चार्ल्स लॉ याद है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर अब हम उसका एक पीवी ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा, वेल इस तरीके से, ठीक है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है मगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये हो गया आइसोबारिक के लिए। और अभी हमने आइसोथर्मल किया था, तो आइसोथर्मल का इस तरीके से था, ये थर्मल, ठीक है, ऊपर वाला बारिक और नीचे वाला थर्मल, रिवर्स हाइपरबोला। तो ये सब ग्राफ्स अगेन हम लोगों ने डिटेल में अंडरस्टैंड करने हैं जैसे जैसे हम इसकी डिस्कशन को इंक्रीज करेंगे, इसलिए मैं साथ साथ में इनको दोबारा से ड्रॉ करती जा रही हूँ, फाइन। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज आ सकता है, राइट। सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू नाउ। सो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में अब क्या वो कांस्टेंट होगा, वेल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो क्या रह गया, वॉल्यूम। सो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इन विच नो वॉल्यूम चेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यूरिंग एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, डीवी इज इक्वल टू जीरो, दैट प्रोसेस वी कॉल एज द आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रेशर में चेंज हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम अगेन लेते हैं, एक क्लोज सिस्टम का कंडक्टिंग वॉल्स हैं, तो इसका मतलब है कि मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, राइट। अब इसके अंदर हमने गैस लिया, एन नंबर ऑफ मोल्स, वी वॉल्यूम, पी प्रेशर, टी टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक पिस्टन हमने फिट नहीं किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसका मतलब है इस वेसल की वॉल को हमने, वेसल को हमने फिक्स वेसल ले लिया, उसकी जो वॉल्स है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, स्पेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। अब ऐसे सिस्टम को अगर आप हीट करने लगोगे तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करेगा,
ठीक है. सो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस. ये कौन सा लॉ होता है? गे-लुसेक लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम्स, राइट. तो अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो वो प्रेशर कैसे आएगा? वेल, वॉल्यूम इंक्रीज करती जाएगी, सॉरी, वॉल्यूम विल बी कॉन्स्टेंट एंड प्रेशर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. सो ऐसा ग्राफ आएगा. ये हमारे पास था आइसोबारिक प्रोसेस का और ये है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. अब ऐसे सिस्टम में सपोजिटली मेरे पास एक रिएक्शन हो, रिएक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म 2HCl, और ये हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है और HCl भी गैस है. तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सब गैसेस हैं. रिएक्शन से पहले हमारे पास 2 मोल्स थे गैसेस के, रिएक्शन के बाद भी 2 मोल्स हैं गैसेस के, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल सेम रहे बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, और गैस के केस में जब मोल्स का नंबर सेम होगा तो वॉल्यूम भी सेम होगी. ठीक है. अब इसका मतलब यहाँ पे जब ये रिएक्शन हो रहा है तो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट मींस दिस विल बी एन आइसोकोरिक प्रोसेस. और जनरली जब हम कोई रिएक्शंस करते हैं तो वी डू देम एट अ कांस्टेंट प्रेशर. तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर ना तो वॉल्यूम चेंज कर रहा है ना प्रेशर चेंज कर रहा है. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोबारिक एज वेल एज आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है. सो अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? वेल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, अब कौन सी चीज है जो कि सेम होने वाली है? वेल, एडियाबेटिक वर्ड सबसे पहले आपने कब स्टडी किया था? आपने स्टडी किया था उसको लेक्चर नंबर 1 में, जब हम एक एडियाबेटिक वॉल को अंडरस्टैंड कर रहे थे कि क्या होती है. तो एडियाबेटिक वॉल कौन सी वॉल थी? जिसके थ्रू ना तो मैटर ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग या फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम ऑल्सो, और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है. ठीक है. तो ऐसी वॉल को हमने बोला था एडियाबेटिक वॉल. और एडियाबेटिक वॉल कौन से सिस्टम में प्रेजेंट होती है? एक आइसोलेटेड सिस्टम में प्रेजेंट होती है. आइसोलेटेड सिस्टम के थ्रू ना तो मैटर ना एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, राइट. अब इसका एग्जाम्पल हमने क्या स्टडी किया था? हमने एक थर्मस फ्लास्क को अंडरस्टैंड किया था कि एक एडियाबेटिक वॉल या एक आइसोलेटेड सिस्टम का एक बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसके अंदर अगर सपोजिटली हमने एक हॉट कॉफी डाल दी तो वो जो कॉफी है उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा है. एस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. ठीक है. मगर यहाँ पे क्योंकि हीट का ट्रांसफर बाहर को नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि जो कॉफी है वो हॉट ही रहेगी. अब अगर इस हॉट की जगह पे मैं कोल्ड कॉफी डाल दूं तो क्या होगा? टेम्परेचर अब जो सिस्टम का है वो सराउंडिंग से कम हो जाएगा. ठीक है. बट अगेन सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है क्योंकि एडियाबेटिक वॉल है. तो इसका मतलब है कि जो अंदर कोल्ड कॉफी है वो कोल्ड रहेगी, अगर हॉट कॉफी है तो वो हॉट रहेगी. तो हो क्या रहा है इस प्रोसेस के अंदर? वेल, इस प्रोसेस के अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट चेंज ना हो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यूरिंग एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे. और यहाँ पे DQ क्या होगा? 0. ठीक है. सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है कि यहाँ पे DQ क्या होगा? 0, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. अब ऐसे सिस्टम के अंदर हमेशा कौन सा सिस्टम होगा? वेल, एक इंसुलेटेड सिस्टम होगा फ्रॉम द सराउंडिंग, जिसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. ऑलराइट. अब ऐसे सिस्टम में सपोजिटली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसके अंदर क्या होगा? वेल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट जनरेट होगी. हीट जनरेट होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा. मगर अब जो हीट जनरेट हुई है वो बाहर तो जा नहीं सकती है, राइट. तो वो अंदर ही अंदर सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाता रहेगा. और वेल, यही इसका डिफरेंस है फ्रॉम एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई थी तो वो जो हीट इवॉल्व हुई थी वो सिस्टम से सराउंडिंग में पास ऑन होगी, क्योंकि जो वॉल थी वो कंडक्टिंग वॉल थी. ये जो वॉल है एक एडियाबेटिक वॉल है, हीट का एक्सचेंज हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो सराउंडिंग से हीट आ नहीं सकती, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या सप्लाई करेगा? खुद सिस्टम.
सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जो कि आप आगे स्टडी करोगे, वेल वो हीट यूज होगी फॉर द एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का वो फॉल कर जाएगा, राइट। और अगर हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वेल ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ किया, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है जहां पे क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक जहां पे प्रेशर कांस्टेंट, और ये था आइसोथर्मल जहां पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके अंदर भी जो प्रेशर है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट नॉट अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, उसे हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। और जो ग्राफ आएगा वेल वो ग्राफ भी बॉयल्स लॉ जैसा ही ग्राफ आएगा बट थोड़ा सा स्टीपर आएगा, थोड़ा सा फर्क होगा इन द रिलेशन ऑफ प्रेशर टू वॉल्यूम जो कि आपने आगे स्टडी करना है। तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल और ये होगा एडियाबेटिक, जिसकी जो ग्राफ होगा वो उससे स्टीपर होगा, उसकी जो स्लोप है दैट इज स्टीपर देन द आइसोथर्मल। क्यों स्टीपर है, कैसे है, वो सब कुछ आगे हमने स्टडी करना है। तो ये हमारे पास है एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस को जो आपको याद रखना है कि एक परफेक्ट एडियाबेटिक चेंज जो है दैट इज इम्प्रैक्टिकेबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली आइसोलेट द सिस्टम, ठीक है। तो कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया था कि कौन सा होता है, सिर्फ खुद में यूनिवर्स, उसके अलावा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसे हम एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कह सके। हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस, हीट लॉस जरूर होगा, इसलिए वो कभी भी परफेक्ट एडियाबेटिक नहीं होगा, सिर्फ क्लोज टू एन एडियाबेटिक हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आफ्टर ये चार प्रोसेसेस के बाद एक प्रोसेस और है जिसे आपको याद रखना है, और वो है साइक्लिक प्रोसेस, जिसे कि आप पिछले लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हो कि साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर अ सिस्टम आफ्टर कंप्लीटिंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो इसका मीनिंग क्या था, वेल कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जो कि इस पॉइंट वन पे है, सो यहाँ से इसमें कुछ चेंज हुआ, प्रोसेस हुआ, वो पॉइंट टू पे पहुंचा, फिर थ्री पे, फिर फोर पे, फिर वापस ये वापस वन पे पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही है। और उसमें अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्टेट फंक्शंस हैं उनका अगर आप थ्रू आउट द प्रोसेस लोगे तो वेल जिससे आपने शुरू किया था उसी से आप वापस एंड करने वाले हो, ऑलराइट। तो सपोजिटली यहाँ पे हम एक 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से शुरू करेंगे, ठीक है। अब 50 डिग्री सेल्सियस से अगर अब ये प्लॉट टेम्परेचर का प्लॉट है, और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो पॉइंट टू पे आप गए तो यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो रहा 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। उसके बाद फिर वहां से टू से थ्री पे आए तो यहां से टेम्परेचर का क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। सो अगर आप मानो कि टेम्परेचर आपने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर का फॉल हुआ तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। अगेन 3 से 4 जाते हुए टेम्परेचर रहा कांस्टेंट, यहाँ पे आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, और 4 से 1 पे जाते हुए अगेन 40 से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब इस प्रोसेस में अगर आप डिफरेंस देखोगे टेम्परेचर का तो डेल्टा एक्स 1 to 2 इसके अंदर डिफरेंस कितना है, वेल 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे डिफरेंस कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइनल माइनस द स्टार्ट पॉइंट दैट इज 40 - 50, दिस विल बी -10 डिग्री सेल्सियस। यहां पे कितना हो जाएगा, 3 से 4 जाते हुए 0 डिग्री सेल्सियस, और 4 से 1 जाते हुए ये इंक्रीज हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। अब इस सब डिफरेंसेस को अगर आप एड करोगे तो दैट विल बी 0 - 10 + 0 + 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम समेशन करेंगे डेल्टा एक्स का थ्रू आउट द साइक्लिक प्रोसेस तो वो वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा दैट विल बी कमिंग अप एज 0, या हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स थ्रू आउट द साइक्लिक प्रोसेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 सम ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ द स्टेट फंक्शन ओवर अ साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रहे हमारे मेन प्रोसेसेस। अब ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है, या बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं।
अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन कि हमने क्या पाथ चूज किया फॉर द फाइनल अटेनमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो उसके बेसिस पे अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं. So according to the path of the final state attained, the process can be of two types, reversible and irreversible, जिसे हम अभी आज introductory part पढ़ेंगे और फिर उसको बाद में हम detail में discuss करेंगे. But इसको भी understand करने से पहले दो तीन terms हैं जिन्हें हम define कर देते हैं. सबसे पहले है path of the process, किसे हम कहते हैं? The sequence of steps starting from the initial state to the final state of the system, we call it as the path of the process. जैसे कि अभी आपने cyclic process देखा था, तो 1 से 2 गए तो स्टेप 1, 2 से 3 गए तो स्टेप 2, 3 से 4 गए तो स्टेप 3 और 4 से 1 आए तो स्टेप 4. तो चार स्टेप्स में हमने प्रॉपर एक सीक्वेंस के अंदर इन स्टेप्स को परफॉर्म करके अपने प्रोसेस को कंप्लीट किया. तो ये सारे स्टेप्स के जो सीक्वेंस है उसे हम बोलते हैं पाथ ऑफ द प्रोसेस. राइट, अब इन बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं एक प्रोसेस के लिए. राइट, जैसे कि हमने डिस्टेंस में देखा था कि पाथ वन लिया या पाथ टू लिया, तो उन सब पाथ्स जो पॉसिबल हैं उसमें से जो भी पाथ को चूज करके हम किसी भी एक प्रोसेस में वो कंप्लीट करते हैं, हम उसी को ही एक प्रोसेस बोल देते हैं. राइट, सो द पर्टिकुलर पाथ आउट ऑफ मेनी डिफरेंट पॉसिबल वेज फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम वी विल बी कॉलिंग इट एज अ प्रोसेस. और जहां पे भी एक साइक्लिक प्रोसेस होगा उसके पाथ को हम क्या बोलते हैं? वन साइकिल. ठीक है, सो आई होप अब आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर है. तो अब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं. अब ये जैसे ही हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप अपना पेन नीचे रख दीजिए. राइट, आपको जो कुछ भी लिखना है उसको हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे. मैं आपको सब नोट्स दूंगी सो दैट कि आप अपने नोट्स को प्रॉपरली बिल्डअप कर सके, मगर वो तब होगा जब हम पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें. तो पहले समझेंगे कि ये प्रोसेसेस क्या हैं और फिर उसके बाद हम लिखेंगे. ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को आगे हमने डिटेल में डिस्कस करना है. अगर उसके बेसिक्स नहीं समझ में आएंगे तो आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला. राइट, तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या लिया है हमने? एक कंटेनर लिया है. एक कंटेनर है जिसमें एक पिस्टन फिटेड है. और ये कैसा पिस्टन है? ये एक मासलेस पिस्टन है, ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. ना इसका अपना मास है ना फ्रिक्शन कॉज करेगा, इसलिए इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट में कोई भी एनर्जी स्पेंड नहीं होगी. ठीक है, अब इस कंटेनर में हमने क्या लिया है? एक गैस लिया है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस होगा. तो ऑब्वियसली वो जो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है वो कुछ प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा. वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ऑन टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और साथ ही में पिस्टन की वॉल पे भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा. तो उस प्रेशर को हम कहते हैं प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, अब ऊपर से हमने क्या किया? वेल, इस पिस्टन के ऊपर हमने थोड़ी सी सैंड डाल दी, रेत डाल दी. ठीक है, अब ये जो रेत डाली ऑब्वियसली इसका भी कुछ मास है, तो ये भी क्या करेगा? वेल, ये भी पिस्टन के ऊपर कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा और साथ ही में बाहर की तरफ से एटमॉस्फेयर भी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस पिस्टन पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा. तो बाहर की तरफ से जो प्रेशर है अगर हम उसको पी एक्सटर्नल कह दें, अंदर वाले को हम पी गैस कह दें, तो ये दोनों जो प्रेशर्स हैं ये कैसे हैं? वेल, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं. ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ खींच रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन को नीचे की तरफ खींच रहा है. और क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पिस्टन है वो स्टेबल है, फिक्स्ड है एक पोजिशन पे, इसका मतलब ये है कि जो पी एक्सटर्नल है दैट इज इक्वल टू पी गैस. राइट, अब ये जो प्रेशर है हम इसको एक फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्रेशर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ऑन द पिस्टन सो दैट द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इज पॉसिबल. ठीक है, तो जो प्रेशर ऑफ द गैस है जो वो फोर्स एग्जर्ट करती है उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स. राइट, ये वो फोर्स है जो कि एक्चुअली में हम चाहते हैं कि गैस हमने डाली है और वो पिस्टन को ऊपर मूव करे, तो ये इसको फोर्स को हमने कहा ड्राइविंग फोर्स जो कि गैस एग्जर्ट कर रही है. और इस ड्राइविंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे? पी गैस.
राइट और ऊपर से जो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी एक फोर्स है और वो इस ड्राइविंग फोर्स के ऑपोजिट है, तो उस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, राइट। तो अपोजिंग फोर्स क्या एग्जर्ट कर रही है, एक्सटर्नल प्रेशर जो कि इक्वल किसके है, एटमोस्फेरिक प्रेशर और साथ ही में प्रेशर विच इज एग्जर्टेड बाय द सैंड, राइट। तो सैंड का मास इनटू जी डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, ये क्या बन जाएगा, प्रेशर विच इज गोइंग टू बी एग्जर्टेड बाय द सैंड। तो अपोजिंग फोर्स एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है और ड्राइविंग फोर्स गैस का प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है और ये दोनों फिलहाल एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, हम उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं क्योंकि इससे पिस्टन अभी क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, राइट। अब हम क्या चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ये इनिशियल स्टेट है एक्सपेरिमेंट की, फाइनल स्टेट जो हम इस एक्सपेरिमेंट में चाहते हैं वो ये है कि हम इस पिस्टन को बिल्कुल ऊपर टॉप ऑफ द कंटेनर तक ले जाएं, तो हम इसको यहां तक पिस्टन को ऊपर ले जाएं, राइट। अब इस प्रोसेस को करने के लिए, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए हमारे पास दो पाथ हैं, दो पाथ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मतलब है कि दो प्रोसेसेस पॉसिबल हैं, राइट। एक पाथ से जब हम जाएंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और दूसरे पाथ से जब हम जाएंगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, राइट। तो पाथ वन क्या है, वेल हम क्या करेंगे कि यहां से ये सैंड को रिमूव करेंगे तभी ये पिस्टन ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां से सैंड निकालेंगे तो प्रेशर धीरे धीरे बाहर कम होगा, अंदर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसका मतलब है हमें इस सैंड को रिमूव करना है सो दैट कि पिस्टन ऊपर को जाए। अब इस सैंड को रिमूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है कि सैंड को एकदम से सारा का सारा हटा दो और एक है कि हम थोड़ा थोड़ा करके सैंड को हटाएं। जब हम पहले तरीके से सैंड को एकदम से सारे का सारा हटा देंगे तो क्या होगा, वेल एकदम से जो सैंड की वजह से प्रेशर था वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर रह जाएगा जो कि प्रेशर ऑफ द गैस से काफी ज्यादा कम होगा, ठीक है। और एकदम से क्या होगा, पिस्टन ऊपर को आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इनिशियली 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ड्यू टू द गैस, यहाँ पे सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं, ये एक्चुअल कोई वैल्यूज नहीं है, सिर्फ हम मान के चल रहे हैं एक वैल्यूज, जैसे वैल्यू से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है, राइट। तो बाहर भी 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनिशियली सो दैट कि पिस्टन मूव नहीं कर रहा। फिर आपने सैंड को हटा दिया, सैंड को हटाने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, सिर्फ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर का जो डिफरेंस है बिटवीन द प्रेशर ऑन द आउटसाइड एंड प्रेशर इनसाइड वो काफी ज्यादा फर्क पड़ गया, काफी ज्यादा फर्क पड़ गया, तो एकदम से पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक तरीका है इनिशियल से फाइनल स्टेट पहुंचने का, ये वाला। सो दिस इज आवर पाथ वन। दूसरा तरीका है कि अगेन हमने सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया, उस सेटअप के अंदर पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस, यहां पे भी 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे भी 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सैंड का एक पार्टिकल निकाल दिया। सैंड का एक पार्टिकल कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, हार्डली एनी, क्योंकि उसका मास ही कुछ नहीं है, तो mg कितना होगा, बहुत कम होगा। तो वो जब हमने एक सैंड का पार्टिकल निकाला तो वेल ऑब्वियसली प्रेशर में कुछ फर्क पड़ गया, बहुत कम फर्क पड़ा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो हो गया 49.9 एटमॉस्फेयर। एक्चुअली में नहीं होगा इतना फर्क, बट मान लेते हैं कि इतना हो गया, जितना भी हमने सैंड निकाला उससे इतना हुआ, राइट। अब इस प्रेशर ऑफ द गैस और प्रेशर एक्सटर्नल में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। तो अब बाहर प्रेशर कितना हो गया, पी एक्सटर्नल माइनस डीपी, एंड डीपी इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ठीक है। और अंदर कितना है, प्रेशर पी गैस। अब अगेन इनमें अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि ये पिस्टन ऊपर को मूव करेगा, मगर ये पिस्टन अब बहुत थोड़ा सा ही ऊपर मूव करेगा, तब तक मूव करेगा जब तक ये पी एक्सटर्नल माइनस डीपी और पी गैस अब बराबर नहीं हो जाते। इसका मतलब है कि बाहर 49.9 एटमॉस्फेयर है, अगर प्रेशर
तो ये पिस्टन उतना मूव करेगा जितना यहाँ पे अंदर भी 49.9 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम और थोड़ा सैंड रिमूव करेंगे क्योंकि अभी हमें तो ऊपर तक पहुंचना है, राइट। इसका मतलब है कि अब हम थोड़ी सी सैंड और निकालेंगे, और निकाली तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया मान लो 49.8। अगेन पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, राइट, मूव करेगा जब तक ये प्रेशर कितना हो जाएगा 49.8। तो अगेन हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, जो प्रेशर है वो बराबर होता है, फिर बराबर हो जाता है, फिर हम थोड़ा और सैंड रिमूव कर लेते हैं, फिर बराबर हो जाता है, फिर और सैंड मूव कर लेते हैं। तो धीरे धीरे इतने सारे स्टेप्स करते करते स्लोली स्लोली हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले एक बहुत स्लो प्रोसेस हुआ, बहुत सारे स्टेप्स में हमने इस प्रोसेस को परफॉर्म किया, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऐसे प्रोसेस के अंदर हम अगर वापस थोड़ा सा भी सैंड डाल देंगे तो वेल पिस्टन क्या करेगा, अगेन नीचे को आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बाहर पहले 49.8 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, हमने थोड़ा सा सैंड वापस डाल दिया तो फिर कितना हो जाएगा, फिर से 49.9 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अंदर कितना है, 49.8 है, तो पिस्टन अब क्या करेगा, नीचे को आ जाएगा, राइट। तो हम इस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं वापस थोड़ा सा सैंड डाल के। ऊपर वाले प्रोसेस में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने एकदम से सैंड उतारा और ये बिल्कुल एकदम से ही ऊपर चला गया एक स्प्रिंग की तरह। हमारे पास रास्ते में टाइम ही नहीं था कि इस प्रोसेस को कहीं पे भी रोक सके बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, ये एक फास्ट प्रोसेस हुआ, इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो बहुत कम थे, हमें सीधा ही हम इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुंच गए और हम इस प्रोसेस को वापस रिवर्ट भी नहीं कर पाते। जिस प्रोसेस को हम वापस रिवर्ट नहीं कर पाते वो प्रोसेस क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और जिसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं वो हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक टग ऑफ वॉर है, राइट। एक टग ऑफ वॉर के अंदर एक साइड पे 10 लोग हैं, एक साइड पे एक लोग है, ठीक है। अब जल्दी से, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो 10 लोग और अपोजिंग फोर्स है एक। तो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा थी तो एकदम से आपने रस्सी को खींच के वो उस एक पर्सन को आप लाइन के क्रॉस दूसरी साइड पे ले जाओगे, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी रुकने का सवाल ही नहीं है, एकदम से ही आपने उस एक पर्सन को लाइन के दूसरी साइड पे खींच लिया। बट अगर लाइन के दोनों साइड पे 10 लोग हो और दोनों साइड पे बराबर का कंपटीशन हो, क्या होगा, कभी आप इधर को, जिस साइड पे 10 लोग हैं इधर भी 10 लोग हैं, कभी रस्सी इधर जाएगी, कभी रस्सी इधर जाएगी, और रस्सी का मूवमेंट किसी भी तरफ पॉसिबल है। इधर थोड़ा ज्यादा जोर लग जाएगा तो इधर चली जाएगी, इधर ज्यादा जोर लग जाएगा तो इधर चली जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही होगा। तो ऐसा प्रोसेस जहां पे रस्सी दोनों तरफ जा सकती है, वो क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी तरफ पॉसिबिलिटी है मूवमेंट की, और यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट पॉसिबल था और एकदम से ही लाइन के क्रॉस एक सिंगल पर्सन को 10 लोग खींच के ले गए, ठीक है। तो ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस ग्रॉसली, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इसको लिखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और डीपली, और फिर और ज्यादा डीपली आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब आप लोग अपनी नोटबुक्स में ये सब कुछ लिख लीजिए प्लीज। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, बहुत 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 स्लोली ये प्रोसेस हो रहा है, सो दैट द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ना के बराबर ही ज्यादा है, राइट। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स विल बी इक्वल टू डीएफ, एंड डीएफ अप्रोचेस जीरो इन केस ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये समझ में आ गया, ड्राइविंग फोर्स थी जो कि गैस एग्जर्ट कर रही थी पिस्टन पे, और अपोजिंग फोर्स थी जो कि एटमॉस्फेयर और सैंड एग्जर्ट कर रहा था पिस्टन पे, और रिवर्सिबल प्रोसेस में इन दोनों फोर्सेस के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इनफैक्ट वो ना के बराबर का डिफरेंस होगा,
this proceeds through a succession of equilibrium steps, each of which is an equilibrium state. तो हम जब भी सैंड निकालते हैं तो सबसे पहले प्रेशर ऑफ द गैस और प्रेशर एक्सटर्नल माइनस डीपी में जो डिफरेंस आता है वो बहुत ज्यादा कम है, और वहां पे हम पहले ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, अगेन प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। आई होप आप लोगों को याद है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे दोनों साइड्स पे प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल। तो यहाँ पे एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर हम सैंड रिमूव करेंगे, फिर से प्रेशर में डिफरेंस आएगा, फिर से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो हर स्टेप पे क्या होगा, वेल हमें एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी, ठीक है। और उसमें क्या होगा, जो mg प्लस पी एटमोस्फेयर है दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो हर टाइम पे पिस्टन इक्विलिब्रियम में इस पोजिशन में होगा, राइट। सो ये क्लियर हो गया, ऑल राइट। अब इनफ टाइम इज अलाउड बिटवीन ईच चेंज फॉर द प्रॉपर्टीज टू कम टू अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो हम धीरे धीरे इस प्रोसेस को करते हैं, पहले सैंड उतारते हैं, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम को आने देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो हर एक स्टेप के बीच में काफी ज्यादा टाइम होता है, सो दैट कि हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम को हम अटेन कर सकें। An ideal reversible process would therefore take infinite time for completion. तो अगर एक ideal process होगा, imagine करो कि यहाँ पे हम एक sand का particle हर एक time पे निकाल रहे हो, तो आपको इस process को complete करने में कितनी देर लगेगी? Infinite time, बहुत ज़्यादा time लगेगा, ठीक है। तो एन आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीशन पे, और सच अ प्रोसेस देयरफॉर इज गोइंग टू बी एन आइडियल प्रोसेस। इसको हम एक्चुअली प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक टाइम पे एक एक सैंड का पार्टिकल रिमूव करें, फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो, फिर अगला सैंड का पार्टिकल रिमूव करें। तो इतना टाइम किसके पास है एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? तो ऐसा प्रोसेस हम एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी नहीं करते। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम रिमेन्स इनफाइनाइटेसिमली क्लोजर टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द प्रोसेस। तो हम एक ऐसा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट के काफी पास हो, बिल्कुल अगर इक्विलिब्रियम नहीं भी आया बट स्टिल काफी पास में है। Therefore, an reversible process, this can be reversed at any stage by increasing the opposing force by infinitesimal amount. तो वापस हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, किसी भी मोमेंट पे आप थोड़ा सा सैंड डाल के प्रोसेस को वापस रिवर्स कर सकते हो। सो आई होप अब आप लोगों को ये रिवर्सिबल प्रोसेस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सो अब हम डिफाइन करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज दैट प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली सो दैट द सिस्टम डज नॉट गेट चांस टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो प्रोसेस को हम बहुत 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 धीरे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम को चांस नहीं मिलता इक्विलिब्रियम में अटेन करने का, ठीक है। तो सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम ओनली एट द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस, इन बिटवीन कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यहाँ पे इनिशियल स्टेट में इक्विलिब्रियम था क्योंकि प्रेशर ऑफ द गैस वॉज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था। यहाँ पे जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंचे तो यहाँ पे अंदर प्रेशर का जो गैस है दैट विल बी इक्वल टू द एटमोस्फेयरिक प्रेशर, ठीक है, क्योंकि यहां से हमने सैंड हटा दी। तो अगेन अब जो P एक्सटर्नल है दैट विल बी इक्वल टू P गैस, राइट। सो अगेन यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, बट इन बिटवीन इनिशियल और फाइनल स्टेट कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, झट से तो ऊपर को पिस्टन पहुंच गया। So equilibrium states, therefore they are finite in number, हम उनको count कर सकते हैं, और generally initial state और final state ही यहाँ पे equilibrium state है, ठीक है। There is a finite difference between the driving force and the opposing force so that the processes occur at a finite rate and in finite time. तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में वैल्यूज ली, एक 50 है एक 1 है, तो उनके बीच में काफी ज्यादा फर्क है, और क्योंकि वो फर्क ज्यादा है इसका मतलब कि जो प्रोसेस है वो एक तेजी से हो सकता है
और हम उसका जो टाइम है एक्चुअली में उसको मेजर भी कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो एक इनफाइनाइट टाइम है, हो ही जा रहा है, खत्म ही नहीं होगा, बहुत सारे स्टेप्स में है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस खत्म होगा, ठीक है। And intermediate states of the process, different state functions like pressure, temperature, they cannot be defined. क्योंकि हमारा ये process कहीं पे बीच में रुका ही नहीं, तो हम बीच में कहीं पे भी इसको process को stop नहीं कर पाए, तो वहाँ पे temperature और pressure को भी हम measure नहीं कर सकते। हम pressure और temperature सिर्फ initial state पे ले पाएंगे और final state पे ले पाएंगे, right? All real processes, therefore, they are going to be irreversible processes. They cannot be reversed without the help of an external agency and without changing the properties of the surroundings, right? तो अगर हमें उस प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा तो हमें कुछ सराउंडिंग्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा, या हमें कुछ एक्स्ट्रा हेल्प किसी एजेंसी की लेनी पड़ेगी कि एकदम से, जैसे कि सैंड को हमने रिमूव किया था तो एकदम से वो ऊपर को जा रहा था, या हमने उसके ऊपर बहुत सारा वेट एकदम से, वो सैंड निकाली तो एकदम से उसकी जगह पे हमने एक वेट रख दिया कि हमने उसको रास्ते में कहीं पे रोका, फिर ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। जस्ट आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसे हम अपने आप से, क्योंकि वो बहुत तेजी से हो रहा है, उसको रोक नहीं पाते, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लोली हो रहा है और उसको हम किसी भी स्टेप पे रिवर्स कर सकते हैं। तो जल्दी से हम टैबुलेट कर देते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेस इज गोइंग टू बी दैट प्रोसेस विच अकर्स एट अ वेरी लो पेस, इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, बहुत धीरे से होगा और बहुत सारे स्टेप्स में होगा और हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इरिवर्सिबल अकर्स वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से होगा, विदाउट एनी सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट इन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं आया। अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स दे आर नियरली इक्वल, जबकि अपोजिंग एंड ड्राइविंग फोर्स दे डिफर widely in case of irreversible process. Work obtainable is maximum. Well, मैं इसको यहाँ पे discuss नहीं करूँगी, हम इसको आगे upcoming lectures में जब इन processes की details को study करेंगे वहाँ पे हम इसको discuss करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, right? Irreversible process में work obtainable is less than in a reversible process. This cannot be realized in actual practice. सिर्फ theoretical concept है, जबकि irreversible process this is practically conceivable. हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। अकर्स एज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस टेकिंग इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, बहुत सारे स्टेप्स और इनफाइनाइट टाइम, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा टाइम लगेगा, ठीक है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ज्यादा स्टेप्स नहीं होंगे और इसे हम जल्दी से छोटे से थोड़े से टाइम में पूरा कर सकते हैं। दिस अकर्स इन डायरेक्ट प्रोसेस changes sorry occurring in the direct process they can be reversed in a reverse process, jabki yahan pe is process ko hum reverse nahi kar sakte. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर इंजॉय किया, आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया और कोई भी डाउट नहीं है। इनकेस कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री, आप हमें अपने डाउट्स मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, साथ ही में आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का जो नाम है वो हमारे चैनल का ही है, दैट इज H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। See you again. Have a nice day. God bless you.